गौतम बुद्ध कहते हैं, मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है। बीते हुए कल का पछतावा मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, बल्कि पूरी ईमानदारी के साथ वर्तमान में जियो। लेकिन हम सच में कितना वर्तमान में जीते हैं? हम वर्तमान में रह ही नहीं पाते। अगर हम वर्तमान में जी पाए तो हमारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ हो जाएंगे और हम भविष्य की चिंता में परेशान नहीं होंगे और ना ही अपने अतीत के दुखों को लेकर रोना रोएंगे, बल्कि वर्तमान में चल रही सांसें भी हमें आनंद देंगी। एक बार एक जवान लड़का गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? जवान लड़के ने कहा, बुद्ध, मेरे जीवन में इतने सारे दुख क्यों हैं? मैं हमेशा दुखी ही क्यों रहता हूँ? बुद्ध ने कहा, कहाँ है तुम्हारा दुख? मुझे तो नहीं दिख रहा। लड़के ने कहा, दुख तो मेरे अंदर है बुद्ध, मेरे अंदर। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता कि दुख तुम्हारे ही अंदर है? लड़के ने कहा, मेरे जीवन में कोई आनंद ही नहीं है। मुझे मेरे जीवन का कोई सार ही नज़र नहीं आता। मैं हमेशा उदास रहता हूँ और कुछ करने का मन भी नहीं करता। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है? लड़के ने कहा, कारण ही तो जानने आया हूँ बुद्ध। अगर मुझे मेरे दुख का कारण पता होता तो मैं आपके पास आता ही क्यों? बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, जब दुख तुम्हारा है तो कारण मैं कैसे बता सकता हूँ? यह सुन वह जवान लड़का थोड़ा चौंकते हुए बोला, लेकिन बुद्ध, लोग तो कहते हैं कि आप अंतर्यामी हैं, आप कुछ भी बता सकते हैं। बुद्ध ने कहा, बस यही मानसिकता ही तुम्हारे दुख का कारण है कि तुम किसी और के भरोसे बैठे हो। तुम्हें लगता है कि कोई आएगा और तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। जब हम किसी और के भरोसे बैठे रहते हैं तब हम दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं। अगर उसने कुछ कर दिया तब तो हम खुश हो जाएंगे और अगर नहीं किया तो दुखी हो जाते हैं। इसलिए अगर उम्मीद दूसरों से बांधोगे तो अंत में दुखी हाथ लगेगा, लेकिन अगर उम्मीद खुद से लगाओगे तो हमेशा खुश रहोगे। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हें लगता है कि मैं बुद्ध हूँ तो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा? नहीं, एकदम गलत सोच रहे हो तुम। मैं भी तुम्हारे ही जैसा हूँ, बस मैंने इस जीवन को जान लिया है जिससे मेरे अंदर के सारे प्रश्न, सारी उलझनें समाप्त हो चुकी हैं। जिस दिन तुम्हारे अंदर भी कोई प्रश्न, कोई उलझन नहीं रह जाएगी, उस दिन तुम्हें भी किसी बुद्ध के पास जाकर ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं दुखी क्यों हूँ। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने फूल को देखा है? लड़का कहता है, बुद्ध, फूल किसने नहीं देखा? फूल तो हर किसी ने देखा है। बुद्ध कहते हैं, एक फूल रात्रि में कली होता है, सुबह होने पर वो खिलता है और शाम तक मुरझा जाता है, वह गिरकर मिट्टी में मिल जाता है। अगर एक फूल पहले ही ये सोच ले कि शाम होते होते मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा तो वह कभी खिल ही ना सकेगा, वह अपनी सुगंध फैला ही ना सकेगा। ठीक इसी प्रकार अगर तुम केवल अपनी समस्याओं को ही देखते हो और हर समय ये सोचते रहते हो कि मेरे जीवन में कितनी परेशानियाँ हैं, कितना दुख है, तो तुम हमेशा दुखी ही रहोगे। तुम कभी भी सुख को महसूस कर ही नहीं सकते, जबकि तुम्हारी ज़िंदगी में सैकड़ों ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए तुम अभी इसी पल खिलखिलाकर हंस सकते हो, लेकिन तुम उन चीज़ों को देख ही नहीं पा रहे हो, और ये है तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण। अगर तुम अपने जीवन की उन चीज़ों, उन परिस्थितियों को देख पाए जिनके लिए तुम खुश हो सकते हो, तो जीवन को देखने का तुम्हारा नज़रिया ही बदल जाएगा और फिर तुम जीवन को जान पाओगे और अपने जीवन में खुशी को महसूस कर पाओगे। अभी तुम्हारे जीवन में चाहे जितने भी दुख हों, अगर तुम चाहो तो वहाँ से बाहर आ सकते हो और चाहो तो उसमें और अंदर जा सकते हो। सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में है, कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। जो भी करना है तुम्हें खुद ही करना है। मैं केवल तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, उस पर चलना या ना चलना पूरी तरीके से तुम्हारे ऊपर है। लड़के ने कहा, बुद्ध, लेकिन कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिस पर चलकर कोई भी इंसान हमेशा के लिए इन दुखों के चक्र से बाहर आ सकता है। बुद्ध ने कहा, इंसान सबसे ज़्यादा दुखी होता है अपने खुद के विचारों से। जब इंसान अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर पछताता रहता है और अपने आने वाले कल की चिंता करता रहता है, तब वह दुखों से घिर जाता है। हमेशा के लिए चिंता से बाहर आने का एकमात्र तरीका है पूरी ईमानदारी के साथ वर्तमान में जीना। जिस इंसान ने वर्तमान में जीना सीख लिया, उसे कोई चिंता, कोई दुख छू भी नहीं सकता। लड़के ने कहा, लेकिन बुद्ध, मेरे लिए हर समय वर्तमान में जीना कैसे संभव है? मैं तो अभी कितनी सारी समस्याओं से घिरा पड़ा हूँ। यह सुन बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर अभी इसी वक्त तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हारी सारी समस्याएं तुम्हें रेत के एक कण से भी छोटी लगने लगेंगी। लड़के ने कहा, बुद्ध, बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता। बुद्ध ने कहा,
ये भी एक बड़ी समस्या है कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार मरना चाहते हो। इस दुनिया में हर इंसान यही सोचता है कि मैं अभी बहुत साल जीऊँगा, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जीकर मरूँगा। जो भी दुर्घटना हो रही है, कम समय में मृत्यु आ रही है, वो सिर्फ दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं। मुझे तो अभी मौत आएगी ही नहीं। और हर इंसान यही सोचता है कि मृत्यु तो दूसरों के लिए है, लेकिन क्या मृत्यु भी कोई ऐसी चीज़ है जो किसी की चाहत से आए? वो तो बस आती है, उसे तो बस स्वीकार किया जा सकता है। अगर हर इंसान ये स्वीकार कर ले कि वो अभी इसी वक्त भी मर सकता है, तो उसके जीवन की आलस्य, दुख, चिंता, परेशानियाँ सब खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जो इंसान ये मान लेता है कि उसे कभी भी मौत आ सकती है, तो फिर वो अपने अमूल्य जीवन का एक भी पल व्यर्थ में चिंता करने व पश्चाताप करने में नहीं बिताता। फिर वो अपने एक एक पल को जीवंतता के साथ जीना चाहता है, क्योंकि ये सत्य उसके अंदर तक उतर जाता है कि ये पल दोबारा मिले ना मिले। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसमें चिंता, द्वेष, पश्चाताप, आलस्य आदि करने का समय ही नहीं। लेकिन हम फिर भी करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। हम कभी भी ज़िंदगी की सूक्ष्मता का आभास नहीं कर पाते और अपना जीवन यूं ही अपने द्वारा बनाए दुखों में जीते चले जाते हैं। और फिर जब अंत समय नज़दीक आ जाता है तो लगता है कि अभी तो ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं, पूरी ज़िंदगी बस यूं ही आलस्य, चिंता और दुख में गुजारती। और ऐसा पश्चाताप करने वाले ये वही लोग होते हैं जो पहले सोचते थे कि हमारा जीवन बहुत लंबा है। इसलिए अगर तुम ये समझ पाए कि मृत्यु निश्चित है और ये कभी भी आ सकती है, और जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, तो तुम इस जीवन को बड़ी स्थिरता के साथ जी सकोगे। और जब तुम अपने जीवन में मानसिक स्थिरता प्राप्त कर लोगे, तभी तुम जान पाओगे कि तुम्हारे दुख की असली वजह क्या है। मेरे ये वचन केवल तुम्हें दिशा दिखा सकते हैं। अगर तुम ये सोच रहे हो कि केवल मेरे शब्दों मात्र से ही तुम्हारे दुख खत्म हो जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। मैं केवल तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ, उस पर चलना तुम्हारा काम है। हम भी अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि हम जानते बहुत कुछ हैं, समझते बहुत कुछ हैं, लेकिन उस ज्ञान को अपनी ज़िंदगी में उतार नहीं पाते। और यही सबसे बड़ा कारण है हमारी ज़िंदगी में बदलाव ना आने का। इसलिए अगर हम अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमें अपने आसपास उन कारणों को देखना शुरू करना होगा जिसके लिए हम खुश हो सकते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में सुख को देखना होगा। ज़्यादातर लोग केवल अपनी ज़िंदगी की परेशानियों पर ध्यान देते हैं, वो उन चीज़ों को देख ही नहीं पाते जो उनके पास हैं। हर इंसान के पास ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर होता है जिसे पाना किसी दूसरे का सपना होता है, लेकिन हम केवल उस चीज़ के बारे में सोच सोच कर दुखी होते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। इसलिए अगर हम खुश रहना चाहते हैं, तो हमें आज से अपने जीवन की उन चीज़ों पर ध्यान देना है जो हमारे पास हैं, जो हमें सुख देती हैं। और ये हमें आज इसी पल से शुरू करना होगा। जब हम अपने जीवन के सुख को देखना शुरू कर देंगे, तो हम पाएंगे कि जीवन में केवल दुखी नहीं, सुख भी है। और जब हम सुख और दुख दोनों को देख पाएंगे, तो हम पाएंगे कि सुख ना हमें बहुत अधिक खुश कर सकता और ना ही दुख हमें बहुत अधिक दुखी कर सकता। और तब हम सुख और दुख से ऊपर उठ पाएंगे, और तब हम महसूस कर पाएंगे कि असल में वास्तविकता कुछ और ही है। गौतम बुद्ध ने कहा था, ज्ञान केवल हमें मार्ग दिखा सकता है, उस पर चलना हमारा ही काम है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।